मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दिल्ली दौरे को लेकर भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। इसी पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कुशल सेठी ने कहा कि मुख्यमंत्री को कांग्रेस से पूछकर दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं तो कांग्रेस को आस लगती है कि मुख्यमंत्री दिल्ली जाकर बड़े नेताओं से प्रदेश के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट या फिर बड़ा पैकेज लेकर आएंगे, लेकिन सीएम जाते तो हैं कुछ और ही लेकर नहीं आ पाते हैं। उन्होंने कहा कि सीएम ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें अपने केंद्रीय नेतृत्व और मंत्रियों के बारे में करते हैं, लेकिन जब हिमाचल के विकास की बात आती है तो उस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। कुशल सेठी ने कहा कि भाजपा के पार्षदों ने पिछले दिनों पानी को लेकर नगर निगम परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन जब सूबे के मुखिया सोलन आए तो कोई भी भाजपा नेता मुख्यमंत्री के सामने कोई भी बात नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 100 रुपए में शहर की जनता को पानी दे रही है, आप उसे मुफ्त कर दो। उन्होंने कहा कि नगर निगम भले ही कांग्रेस की है, लेकिन प्रदेश सरकार तो भाजपा की है और शहर की जनता को राहत पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी सोचना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जैसे कल सोलन दौरे के अंदर आए तो हमें आशा थी नगर निगम के बाद माननीय मुख्यमंत्री सोलन में आए, और जैसे कि नगर निगम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सोलन में पैसों की कमी नहीं रहने दूंगा, तो शायद यहाँ कहीं घोषणाएं कर गए थे, लेकिन सब झूठी घोषणाएं उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ करी। और माननीय मुख्यमंत्री ने जब यहाँ कहा कि कांग्रेस चुटकी लेती है, तो कांग्रेस तो एक अच्छा काम कर रही है, आपकी सोई भी सरकार को चुटकी लेके उठा रही है ताकि उठो, 7-4 साल लगे पूरे होने, अब जनता के जनमानस जो आज दुख तकलीफ से, महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, किसान त्रस्त है, व्यापारी त्रस्त है, कुछ उनके बारे में भी सोचो। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब यहाँ कल यहाँ कहा, तो मैं नहीं समझता कि इस बात का जनता जो है उनका विरोध करेगी। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ कहा कि भाई कांग्रेस सोई भी है, कांग्रेस कुछ काम नहीं करती, कांग्रेस जागरूक है और कांग्रेस काम कर रही है, जनता के हित के फैसले कर रही है, जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ रही है, और आने वाले चुनाव में आपने देखना कि जो आप ये दोहरे झूठे घोषणाएं और झूठे वादे जो आपके यहाँ करने जा रहे हैं उसका जनता जवाब देगी आपको, और कांग्रेस सोलन में हिमाचल प्रदेश में प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री सोलन में जब आए तो हमें आशा थी कि आप हमारे गरीब किसान के बारे में कुछ बोल के जाते, जो इस बार सीजन में उनका टमाटर 100 रुपये 150 रुपये पर क्रेट बिका, तो सोलन की जनता की सारे साल की कमाई इसमें चलेगी। क्या आप उनके बारे में आपने सोचा, क्या उनके बारे में आपने घोषणा करी? हमें आशा थी कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी सोलन में नगर निगम में आए थे, उन्होंने कहा था मैं जून में शांति बाईपास का उद्घाटन करूंगा, आज जून क्या, आज तो अगस्त सितंबर भी बीतने वाला, क्या वो बाईपास का काम क्यों नहीं पूरा हो रहा? इस चीज़ों की माननीय मुख्यमंत्री से आशा थी। सोलन के लोग निराश हुए मुख्यमंत्री जी के दौरे से, और जो उन्होंने कल झूठी घोषणाएं करी हैं, वो सोलन की जनता सब पढ़ी लिखी समझदार जनता है, इसका जवाब आने वाले चुनाव के अंदर सोलन की जनता भाजपा को देगी। मैं आशा थी कि मुख्यमंत्री जी ने, जब पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने कहा कि मैं हिमाचल प्रदेश के द्वारा गठित एसआईटी से खुश नहीं हूँ, उसकी जहाँ से खुश नहीं, तो मुख्यमंत्री जी ये घोषणा करेंगे कि मैं फर्जी डिग्री मामले को जो है वो सीबीआई के सुपुर्द करूंगा, लेकिन उसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने कोई लफ्ज नहीं बोला, और ये हमारे सोलन हिमाचल प्रदेश के ऊपर एक बड़ा भारी कलंक का धब्बा है, और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री इसके जो है सीबीआई के आदेश करें, और जो भी इसमें कल्प्रिट है, जो भी इसमें गुनाहगार है, वो जैसे शांता कुमार जी ने कहा कि जो जो लोग जेल में होने चाहिए वो आज बाहर घूर रहे हैं, तो ये जांच करा के सीबीआई से, जो इसमें कल्प्रिट है उनको सजा होनी चाहिए और उनके अंदर होना चाहिए, जो हिमाचल प्रदेश यहाँ कलंकित हुआ उसको जो है दाग मुख्यमंत्री जी को साफ करना चाहिए।